Hi student, welcome to RCI as you have online class. कैसे हैं आप? चलो 11th agriculture, इसमें जो first chapter चल रहा है cell wall, इसमें cell wall जो topic था वो समाप्त हो चुका. उसके बाद में cell organism को सिकान, उसमें सबसे पहले अपन पढ़ रहे थे endoplasmic reticulum. endoplasmic reticulum जो है उसके बारे में, जो उसकी संरचना है उसके बारे में हमने पढ़ लिया है. आज इसका लास्ट जो पॉइंट है फंक्शंस ऑफ ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य, वो हमें देखना है. मोस्टली कार्य के अंदर जो है वो हमने पहले इसमें पढ़ लिया है, इसको सेपरेट से जो पीछे पढ़ा है हमने उसी में से यहाँ पे लिखना है. तो देखेंगे आप इसमें अंतर्द्रव्य जालिका होती है, इसके जो कार्य हैं उसमें सबसे पहले जो आता है अंतःकंकाल, यानी कि कोशिका का जो अंतःकंकाल होता है वो इसके द्वारा बना होता है. अंतर्द्रव्य जालिका जो होती है वो कोशिका का अंतःकंकाल बनाती है, जिससे कोशिका जो होती है वो सुदृढ़ हो जाती है, हार्ड हो जाती है अंतःकंकाल के बनने से. सेकंड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसके टाइप में, प्रकार में दो प्रकार हम पढ़े हैं इसके. पहला जो था वो RER पढ़ा हमने, सेकंड जो है वो SER पढ़ा है, दोनों पढ़े हैं RER और SER. RER जब हमने पढ़ा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, और इसमें हमने पढ़ा था यानी कि आरिया जो होती है ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करती है, प्रोटीन बनाने का कार्य करती है. नेक्स्ट एसीआर, दूसरा जो पार्ट है इसका टाइप जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतःद्रव्य जालिका, इसका जो कार्य होता है वो लिपिड संश्लेषण का होता है, लिपिड बनाने का कार्य किया जाता है. अब यहाँ से अलग अलग भी पूछा जा सकता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस लिखिए, तो दोनों के लिखेंगे हम, दोनों टाइप्स जो हैं आरईआर और एसईआर दोनों को हम यहाँ पर एक जगह लिख सकते हैं. लेकिन जब अलग से पूछा जाए कि आरईआर का क्या कार्य है तो प्रोटीन सिंथेसिस और एसईआर का तो लिपिड सिंथेसिस. इसके बाद में नेक्स्ट इसका फंक्शन है केंद्रक और कोशिका झिल्ली जो होती है, ये है कोशिका, कोशिका के अंदर केंद्रक है और ये यहाँ पर पाए जाते हैं. अब जितने भी पदार्थों का आवागमन कोशिका से केंद्रक में और केंद्रक से किसमें, कोशिका में होता है, तो इनको मार्ग का मार्ग प्रदान करती है. यानी का मतलब केंद्रक और कोशिका जो झिल्ली होती है उसके मध्य पदार्थों का जो आवागमन होगा केंद्रक से कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव से केंद्रक में, या फिर कोशिका झिल्ली के मध्य जितने भी पदार्थों का आवागमन होगा उसको मार्ग प्रदान करने का कार्य कौन करती है, ईआर करती है. इसके बिना केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य पदार्थों का जो आवागमन है वो नहीं होगा. नेक्स्ट, कोशिका में होने वाली विभिन्न जो जैविक क्रियाएं होती हैं, जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं उन जैविक क्रियाओं को स्थान प्रदान करती है, यानी कि कोशिका में होने वाले जितने भी जैविक क्रियाएं हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है उसके ऊपर अधिकांश जो क्रियाएं हैं वो संपन्न होती हैं. इसके अलावा सेल वॉल, कोशिका भित्ति, कोशिका जो भित्ति होती है वो प्लाज्मोडेसनेटा, इनका जो निर्माण होता है उसमें भी ईआर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. ईआर के बिना इनका जो निर्माण होता है वो पॉसिबल नहीं है. तो यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो फंक्शंस हैं वो समाप्त होते हैं. रिपीट कर सकते हैं, पहला अंतःकंकाल बनाती है कोशिका का, सेकेंड प्रोटीन संश्लेषण आरईआर के द्वारा, लिपिड संश्लेषण एसईआर के द्वारा, केंद्रक झिल्ली कोशिका झिल्ली और केंद्र के मध्य पदार्थों के आवागमन के लिए मार्ग, जैविक क्रियाओं के लिए स्थान सेल वॉल और प्लाज्मोडेसमेटा जो है उसके निर्माण में यह सहायक होती है.